स्वागत है आपका अस्मिता जयकिशनी चैनल पर। और आज का हमारा नया विषय है CETNRA। तो व्हाट इज CET एंड व्हाट इज NRA? तो हमारे कैबिनेट ने CET को मंजूरी दे दी है। तो CET है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड NRA इसका मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो फ्रेंड्स, एक देश एक परीक्षा की घोषणा बहुत दिनों पहले की जा चुकी है। तो एक देश एक परीक्षा के तहत CET को मंजूरी दे दी है। तो CET यानी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्री एग्ज़ाम देते थे, तो इस एग्ज़ाम को अलग अलग एजेंसियों के थ्रू लिया जाता था। तो इसी काम को बहुत ही इजी बना दिया गया है CET के द्वारा। CET एक एग्ज़ाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है NRA के थ्रू। फ्रेंड्स, व्हाट इज NRA? तो NRA एक गवर्नमेंट एजेंसी होगी जो CET एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 17.57 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए हैं। और इसके आगे NRA इस CET के लिए कौन सा सिलेबस रहेगा ये भी वही तैयार करेगी, और एग्ज़ाम भी वही लेने वाली है। तो NRA अपना काम करता जाएगा, लेकिन आज हम जानेंगे CET के बारे में। CET सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए होने वाली है, और उसका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन होगा। और CET देकर हम प्री लेवल पास कर सकेंगे, यानी कि CET प्री लेवल एग्जाम है। हम जानते हैं कि बैंकिंग में, रेलवे में, SSC में, बहुत सारे ऐसे जॉब पाने के लिए हमें 3 टायर में एग्जाम देनी पड़ती है, यानी कि पहले प्री लेवल पास करना पड़ता है, उसके बाद उसकी मेन की तैयारी होती है, उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। तो यहाँ जो प्री लेवल एग्जाम है बैंकिंग की, रेलवे की और SSC की, तो ये तीनों के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, वो है CET। CET के थ्रू हम जो भी स्कोर करेंगे, उस स्कोर को पा लेने के बाद हमें जिस भी क्षेत्र में जाना है, यानी कि बैंकिंग में जाना है, रेलवे में जाना है, या हमें SSC के लिए तैयारी करनी है, तो मेंस की, इन तीनों की जो मेंस की तैयारी है वो हमें अलग से करनी है, और इसकी एग्जाम CET के थ्रू नहीं होने वाली है। मेंस की एग्जाम तो रिस्पेक्टिव एजेंसियां ही करने वाली है, यानी कि पहले जो एजेंसियां एग्जाम लेती थी वही एग्जाम कंडक्ट करेगी मेंस की, और उसके बाद इंटरव्यू भी वही करने वाले हैं। यानी कि CET एग्जाम जो NRA के थ्रू होने वाला है वो सिर्फ प्री लेवल एग्जाम है। यहाँ गवर्नमेंट ने ये इजी कर दिया है, क्योंकि पहले बैंकिंग के लिए अलग एग्जाम होती थी, रेलवे के लिए भी अलग होती थी, और SSC के लिए, और स्टूडेंट्स को भी बहुत ही दिक्कतें होती थी, क्योंकि हर एग्जाम का जो फॉर्म भी अलग भरना पड़ता था, उसके लिए तैयारी भी अलग से करनी पड़ती थी, परीक्षाएं देने के लिए जो लॉन्ग ट्रैवलिंग करना पड़ता था, और उसकी फीस भी हम झेल नहीं पाते थे। तो यहाँ ये सब बहुत ही इजी हो गया है, एक ही एग्जाम देकर हम प्री लेवल में से पास हो जाएंगे, यानी कि उसमें से हम निकलकर मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसके अलावा जानने वाली बात ये है कि जो CET है उसको हम बार बार दे सकते हैं, यानी कि पहली बार CET देने के बाद उसमें स्कोर अगर कम रहे और आप दूसरी बार देना चाहते हैं एग्जाम, तो दे सकते हैं, तीसरी बार भी दे सकते हैं। और सभी जितनी भी बार आपने एग्जाम CET पास करी है, उसका जो हायर स्कोर होगा वो ही मेंस के लिए गिना जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस बात ये है कि CET 3 लेवल में होगी, यानी कि हम जानते हैं कि हम जब जॉब के लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, HSC के बेसिस पे या फिर हम ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब के लिए एग्जाम की तैयारियां करते हैं, तो CET भी 3 लेवल में होगी, यानी कि 10th के बेसिस पर होने वाली, और HSC के बेसिस पर होने वाली, और ग्रेजुएशन के बेसिस पर।
तो तीनों एग्जाम अलग से होने वाली है। यहाँ स्टूडेंट्स को 1000 सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे जो स्टूडेंट है, जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स है, वो भी इससे उनको दिक्कत उनकी कम हो जाए, फीस में भी उनकी दिक्कतें कम हो जाए। और इसके अलावा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी स्कोर सीईटी में आप हासिल करेंगे वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, यानी कि 3 साल तक आप उसकी मेंस की तैयारी कर सकेंगे उसी स्कोर के बेसिस पर, और आप मेंस के एग्जाम दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करें, और मेरा इंस्पिरेशन इसी तरह बढ़ाते रहें।